विमेन प्रीमियर लीग 2024 के ऑक्शन को लेकर क्रिकेट प्रेमी काफी समय से इंतजार कर रहे थे। उम्मीद थी कि इस बार के ऑक्शन में कई भारतीय खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए की बरसात होगी, लेकिन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हैरानी वाला पल तब रहा जब विमेन प्रीमियर लीग ऑक्शन 2024 में विदेशी खिलाड़ी करोड़ों रुपए अपने घर लेकर के चले गए। आईपीएल की तरह ही विमेन प्रीमियर लीग में भी फ्रेंचाइज ने विदेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने की होड़ दिखाई, जिसमें सबसे ज्यादा होड़ देखने को मिली सदरलैंड को लेकर के। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को 2 करोड़ रुपए देकर दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि इनका बेस प्राइस 40 लाख रुपए रखा गया था। शुरुआत में किसी ने भी इन पर दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जैसे ही वो अनसोल्ड होने वाली थी वैसे ही दिल्ली कैपिटल्स ने उन पर दाव खेला। मानो कि मुंबई इंडियंस भी ये मान बैठा था कि आज दिल्ली का सारा पैसा एक साथ उनके पर्स से निकलवा देना है। तभी तो हैरानी वाली बात यह है कि 2.25 करोड़ रुपए का पर्स रखने वाली दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपए में एक ही ऑलराउंडर को खरीद डाला। दरअसल में सदरलैंड की बात करें तो वो एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका प्रदर्शन ऑलराउंडर वाला बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि उनके नाम 22 मैचों में 97 रन हैं, तो वहीं 10 विकेट उनके नाम कुल है। ऐसा लगता है कि शायद सदरलैंड को बहुत ज्यादा रकम देकर दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नाम किया है, लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि क्या एनाबेल सदरलैंड अपने इन प्राइस को जस्टिफाई कर पाएगी। लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से होड़ जो सदरलैंड को खरीदने के लिए देखी गई थी वो कहीं ना कहीं किसी चाल से कम नहीं था, क्योंकि जब 2 करोड़ रुपए में सदरलैंड दिल्ली कैपिटल्स की हुई तो उस वक्त मुंबई का पूरा खेमा सरकास्टिक स्माइल के साथ दिल्ली की तरफ देख रहा था। अब दिल्ली ने अपने 2 करोड़ रुपए तो एनाबेल सदरलैंड को दे दिए हैं, क्या वो इसका रिटर्न दिल्ली कैपिटल्स को लीग में दे पाएंगी, ये देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प रहेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।